मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ अलग तरह से बनाने वाली झींगा करी। तो हमने अच्छे से 3 से 4 पानी से झींगे को धो लिया है। बीच से कट करके यहाँ से एक रेसा होता है ब्लैक कलर का, उसे भी हमने निकाल लिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे, इसमें 1 चम्मच भर के कांदा लहसुन मसाला है, ये हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं होती है, इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है। स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट करके, उसके बाद हम बनाएंगे। झींगा करी बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में हम 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे। एक मीडियम साइज हमने प्याज लिया था, इस तरह बारीक काट के ले लिया है हमने। तो तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज में जब तक अच्छा कलर ना आ जाए तब तक हमें प्याज को भूनना है। प्याज में अच्छा कलर आ चुका है, तभी इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। इसका जब तक कच्चापन ना निकल जाए तब तक हमें भूनना है। अब गैस का फ्लेम हमारा हाई रहेगा, लो बिल्कुल ना करें। अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुके हैं, उसके कच्चेपन निकल चुके हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज टमाटर लिया था, टमाटर को भी इसमें डालेंगे हम। जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए तब तक हमें भूनना है, यानी कि टमाटर हमारे एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, पहले भी हमने झींगे में भी नमक डाला था तो उसके हिसाब से डालें, ज़्यादा ना डाल दें ताकि नमक डालने से टमाटर जल्दी से हमारे गल जाए। टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। ये जो हमने झींगा रखा था ना 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके, तो इसी में डालेंगे और ऊपर से मसाला हमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसी में सभी मसालों को डाल दिया है। अब नमक भी ना ऐड करें, अगर आप लोगों को बाद में लगे कि नमक कम है तो फिर डालें। हाई फ्लेम पे इसे हमें झींगे को और मसालों को साथ में ही भूनना है। हमारे झींगे भी लगभग भून चुके हैं, अभी ज़्यादा टाइम तक भूनना नहीं है, बस 1 मिनट तक ही भूनना है, इससे ज़्यादा ना भूने झींगे को। झींगा भुनने का ये पहचान है कि झींगा हमारा एकदम गोला हो जाता है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, जितना आप लोगों को ग्रेवी पसंद हो उसके हिसाब से डालें। यहाँ पे मैं 1 गिलास छोटे गिलास से 1 गिलास डाली हूँ पानी, आधा गिलास और डाल रही हूँ क्योंकि इसकी ग्रेवी पतली ही अच्छी लगती है। झींगे में उबाल आ चुका है तो इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देंगे ताकि अच्छे से हमारा झींगा पक जाए। झींगे को ढके हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो हमारे झींगे भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। इसमें थोड़ा धनिया पत्ती डालेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, इसे ज़्यादा अब हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि झींगा बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाता है, उसको पकने में टाइम नहीं लगता है।
गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ खाएं। अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।